सेकंड होती है ना, यानी ये किलोमीटर। जब भी एक बात याद रखिएगा, अब इसमें से जरा गौर से देखिएगा, कोई भी वैल्यू खास तौर पे वेलोसिटी जब किसमें दी हो, किलोमीटर पर हार में, किलोमीटर पर हार में दी हो, तो किलोमीटर किसमें कन्वर्ट होंगे, मीटर में, और हार्स किसमें कन्वर्ट होंगे बच्चों, सेकंड्स में, ठीक है। अब यहां से पहले 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, नो किलो किसके इक्वल मैंने बताया था, कितने हो गए 1000 मीटर, पर हार को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में, तो हॉर्स जब सेकंड्स में जाएंगे तो 60 मिनट्स हो गए, और 60 क्या हो गया आपके पास है? सेकंड्स, तो ओवरऑल ये टोटल कितने आ गए आपके पास, 3600 सेकंड्स। ज्यादा सस्पेंस में जाने की बजाय कि यार ये क्या चीज है, इसका थोड़ा सा सलूशन देखो, ये 36 है ना, किलोमीटर पर हार है ना, क्या है, किलोमीटर पर हार, ये आपके पास आ गया किलोमीटर पर हार के आ गया, समझ आ गई। इस चीज को जिसको ऐसे किताबों में लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर पर हार, यानी पर स्लैश से भी काउंट होता है, ऊपर पावर जाने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, समझ आ गई बात की। अब तो बेटा किलोमीटर जो है 36 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ गया, 1000 मीटर, और हार्स की जगह मेरे बच्चों क्या आ गया, 3600 सेकंड्स। क्लियर है? अब मैंने आपको बता दिया कि किलोमीटर क्यों ऊपर लिखे जाते हैं और हॉर्स क्यों नीचे लिखे जाते हैं। अब देखेंगे, जीरो से जीरो दोनों कट, 3600 से 3600 कट, तो जस्ट आपके पास कितना बच गया, 10 मीटर पर सेकंड।